नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देसी पटाका। मैं हूं आराधना आपके साथ। मोहम्मद यूसुफ खान, बॉलीवुड का पहला खान, बॉलीवुड का ट्रेजेडी किंग, जिसने अपने करियर में फिल्में कम की लेकिन जितनी भी की वो ब्लॉकबस्टर फिल्में थी। दिलीप कुमार, उनके जाने के बाद ऐसा लग रहा है मानो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है। अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती थे वो, एक इंस्टीट्यूशन थे। उनको देखकर सलमान, शाहरुख, धर्मेंद्र, धर्मेंद्र ने तो खुद कहा कि दिलीप साहब के घर को देखता था मैं, उनके बंगले को देखता था मैं, तो मुझे एक्टर बनने की इंस्पिरेशन मिलती थी। मेरे लिए वो मंदिर से कम नहीं था। और दोस्तों, उसी दिलीप कुमार ने इस बॉलीवुड में अपना मुकाम खुद बनाया। जानते हैं कि अपने जाने के बाद वो कितने की प्रॉपर्टी अपने पीछे छोड़ गए हैं। दिलीप कुमार ने बहुत कोशिश की लेकिन उनकी कभी कोई बच्चा नहीं हो पाया। सायरा बानू जी का एक बार मिसकैरेज हो गया था, उसके बाद से कभी भी दिलीप साहब ने बेबी की कोशिश नहीं की। पर अब दिलीप साहब के जाने के बाद उनकी प्रॉपर्टी कितनी है ये बात बहुत सुर्खियों में है। देविका रानी बॉम्बे टॉकीज की मालकिन थी और उस समय बॉम्बे टॉकीज एक लौता प्रोडक्शन हाउस था, और देविका रानी ने ही मोहम्मद यूसुफ खान को दिलीप कुमार बनाया था। नाम तो उन्होंने दो तीन सुझाए थे। जहांगीर नाम उसमें से ऐसा था जो दिलीप कुमार को बहुत पसंद था, लेकिन देविका रानी ने कहा नहीं, मुझे दिलीप कुमार पसंद है, तुम दिलीप कुमार ही रखो। और बस ऐसे जन्म हुआ बॉलीवुड में दिलीप कुमार का। राज कपूर साहब के बचपन के दोस्त थे दिलीप कुमार, क्योंकि पाकिस्तान में दोनों का घर बहुत पास था। और अब मुद्दे की बात पर आती हूँ, बताती हूँ आपको कि आखिर दिलीप साहब अपने पीछे कितने की प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं। पहले तो मैं आपको बता दूँ कि दिलीप साहब के मुंबई में दो बंगले हैं, एक बैंड्रा के पाटनी हिल बंगला नंबर 16, जो कि पिछले काफी समय से कंट्रोवर्सीज में भी रहा, क्योंकि इस जमीन पर बिल्डर समीर भोजवानी ने अपना मालिकाने हक का दावा किया था। हालांकि बाद में ये सारे आरोप गलत साबित हुए और इस बंगले का सारा हक अधिकार दिलीप कुमार साहब और उनकी वाइफ सायरा बानो को मिला। हम आपको बता दें कि इस आलीशान बंगले की कीमत 350 करोड़ है, और दिलीप साहब ने यह बंगला 1953 में कमरुद्दीन लतीफ से 1,40,000 रुपए में खरीदा था। उस दौर में ये बहुत बड़ी रकम थी। दिलीप कुमार बॉलीवुड के इकलौते ऐसे एक्टर थे जो 1 लाख रुपए चार्ज किया करते थे 50s और 60s के जमाने में, और उस जमाने में 1 लाख रुपए आज के जमाने के अप्रॉक्सीमेटली 10 करोड़ के बराबर है। खैर, आपको बता दें कि दिलीप कुमार का वो जो बंगला है वो 2,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, और ये बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी बेहद आलीशान है। इनका जो सफेद संगमरमर का फर्श है उस पर लकड़ी का फर्नीचर बहुत खूबसूरत लगता है। तो वहीं इनका जो दूसरा बंगला है वो नंबर 34 बांद्रा के पश्चिम इलाके में है। इसके अलावा इनका पाकिस्तान में भी एक एंसेस्ट्रल हाउस है, यानी कि पैतृक घर है, और उसको म्यूजियम में बदलने का जो बात थी वो पूरी तरह से अप्रूव हो गई है। वो बहुत जल्द म्यूजियम में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको नेशनल प्रॉपर्टी भी डिक्लेयर किया जा चुका है। और उसकी जो कीमत है वो भी मैं आपको बता दूं, अप्रॉक्सीमेटली सरकार ने 80 लाख रुपए पहले लगाई थी। ये 100 साल से ज्यादा पुराना घर है। दिलीप साहब तो खुद 98 साल के थे जब उनका देहांत हुआ है कल, और 2014 में ही नवाज शरीफ सरकार ने इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया था। दिलीप साहब चले गए और अपने पीछे छोड़ के गए हैं 604 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी और अपनी जान। सायरा बानो जी, जो दिलीप साहब को देखकर जब वो जा रहे थे तो ऐसे रो रही थी मानो कि उनसे उनके कलेजे को छीना जा रहा है। पूरी जिंदगी सायरा बानो जी दिलीप कुमार साहब की छाया की तरह उनके साथ चलती रही। लता मंगेशकर ने खुद अपने रिसेंट ट्वीट में इस बात का जिक्र करा है कि दिलीप साहब पिछले काफी सालों से बीमार थे, लोगों को पहचान नहीं पाते थे, लेकिन उनका पूरा ध्यान रखती थी सायरा बानो जी, और उन्होंने अपने पत्नी धर्म को बहुत ही खूबसूरती से निभाया, और इसकी तारीफ खुद लता जी ने की है।
दोस्तों क्या कहेंगे आप, हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। गुड बाय।